Hi guys, you are on Smile IS YouTube channel. This is the Technometric Lecture 8. Okay, our tagline is Veer Bhoge Pashundara, means those who are hardworking, ambitious, they can achieve anything, whatever they want in their life. Okay, so our today's concept is A sine theta plus B cos theta equal M. Equation 1. B sine theta plus B sine theta minus A cos theta equal N. Equation 2. Okay, so what we have to do here is we take both side square of equation 1 and equation 2. Okay, so A square sine square, this is for equation first. Okay, A square sine square theta plus B square cos square theta plus 2AB sine theta cos theta. Okay, this is for first equation, and the second one B square sine square theta plus A square cos square theta minus 2AB sine theta cos theta. Okay, हमें क्या करना है, we have to equation first add कर देना है. Okay, इक्वेशन दोनों को ऐड कर देना. ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, और यहाँ पे इक्वल क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, इधर इक्वल हो जाएगा एन स्क्वायर. तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b square cos square theta plus b square sine square theta plus a square cos square theta. Okay, equal m square plus n square. Okay, ये आपको आगे समझ में आएगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके, नहीं आप बस इसको समझ लो कैसे हो रहा है. ओके, मींस ये ऐसा इक्वेशन अगर आ जाता है तो आपको क्या करना है, ठीक है. तभी जब क्वेश्चन में आप समझोगे, यहाँ पे देखिए ये साइन स्क्वायर है ए, और दूसरा ये ए यहाँ पे है कॉस स्क्वायर है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन होता है, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा. ऐसे बी कॉस स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है. इसको आपको याद करना है. क्या हमने अभी किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एम स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. ओके, तो हमें इसको ऐसे करना है, ठीक है.
तो अब हम प्रॉब्लम को आते हैं, तो हमें थोड़ा समझ में आएगा हम भी कर क्या रहे थे। क्वेश्चन नंबर जैसे क्वेश्चन आ गया 3 sin theta plus 4 cos theta। ओके, cos theta इक्वल √21। सो पूछ रहा है 4 sin theta minus 3 cos theta equal n। ये n है तो पूछ रहा है n का वैल्यू क्या होगा। अभी जैसे हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा, ठीक है, देखो ये जो 3 हो गया क्या हो गया, इसको हम अगर a मान ले रहे हैं तो ये क्या हो गया, b हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। और इसको हम मान लेते हैं m हो गया और n यहाँ दिया हुआ है, तो हम सेम फार्मूला लगा दें, क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एम स्क्वायर इक्वल एन स्क्वायर। देख सकते हैं आप, यही फार्मूला हमने यहाँ पे किया है, नीचे आप देख सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर ए जो है वो 3 है, तो 3 का पावर 9 हो जाएगा। बी क्या है, यहाँ पे 4 है, तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एम क्या है, यहाँ पे 21 है, 20 √21 है, तो उसका यहाँ पे 21 हो जाएगा, क्योंकि ये रूट हट जाएगा स्क्वायर आने के बाद, अब बचा एन स्क्वायर। ओके, तो 9 16 25 हो जाएगा, एन स्क्वायर इक्वल 25 minus 21, तो ये आ जाएगा, ये एन इक्वल कितना आ जाएगा, ये 4 होगा, तो 4 का रूट 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस माइनस में आ जाएगा। ओके, तो n का क्या वैल्यू हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस 2 भी हो सकता है और माइनस 2 भी हो सकता है। सो इस तरह के अगर प्रॉब्लम आएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जरा मिल कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जैसे a sin theta प्लस बी कॉस थीटा इक्वल सी, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल एन मान लो। तो क्या पूछ रहा है, यहाँ पे एन की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा एन का वैल्यू। ओके, सो आप कैसे करोगे, वही सेम फार्मूला आपको लगा देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो हाँ, ए का वैल्यू क्या है, ए तो मान लो यहाँ पे यही लिखा, तो यही हो जाएगा, बी का भी वही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एम क्या है, एम जो है वो सी स्क्वायर है प्लस एन स्क्वायर का हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एन स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब एन स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा इधर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट ये आ गया। सो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसको। सो अगर ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं, एक और दो लेक्चर और होगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री ओवर हो जाएगा, उसके अलावा फिर हम क्वेश्चन उस पर कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम में आए हैं। ओके, सो जो क्वेश्चन ये है, कॉन्सेप्ट सॉरी, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसमें क्या है कॉन्सेप्ट, इसमें बोल रहा है ऐसा, अगर जैसे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जैसे पूछेगा वैल्यू, तो ये आपको क्वेश्चन में समझ में आए। ओके, तो ये क्या होता है, जैसे ये वाला हो गया मान लो परपेंडिकुलर हो गया,
ये हो गया बेस हो गया, या आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, ये एच। ओके, दोनों को इसमें अगर ये एच हो जाता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? ओके, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे जैसे आपसे पूछ लिया, जैसे ये इक्वेशन दिया है वो आपसे पूछ लिया गया, टेन थीटा का वैल्यू बताओ, कॉस थीटा का वैल्यू बताओ, सेक थीटा का वैल्यू, सो आप ऐसे कर सकते हो। तो आपको क्वेश्चन में समझाते हैं इसको आप कैसे कर सकते हो। ओके, इसको आप एंगल के फॉर्म में जैसे कर सकते हो, एंगल ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो आपको ऐसे वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन हम देखें। थ्री साइन थीटा प्लस फोर कॉस थीटा इक्वल फाइव, तो यहाँ पे तो दिया हुआ है, तो आपको ये जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप समझ लो, जैसे ये थ्री का जैसे हाइपो, यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा? पाइथागोरस, जैसे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो ये थ्री का क्या होता है, आपने ये इसको ए वाला तो पढ़ा ही होगा, ए सी स्क्वायर मैंने बताया ये आपको, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, जिसे इसको हम ए बी सी कर देंगे, तो ये पैथागोरस है। अब इसी पर हम अप्लाई कर देंगे, जैसे ये पांच है, ये थ्री सॉरी फाइव का स्क्वायर 25, थ्री थ्री जा नाइन प्लस फोर फोर जा 16, दिस इज 25 है। यू कैन सी एकदम कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। सो अब आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे ही आपको ये समझ जाना है, एक बार आपको चेक कर लेना है, ऐसे हर चीज लिखना नहीं है एक बार आपको, क्योंकि क्वेश्चन इतना टफ नहीं पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे जैसे पूछ लिया, अगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ओके, क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो गया। अगर आप इसको जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो 3/4 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। जैसे मैम आपने पूछ लिया तो कॉट थीटा भी आप ऐसे जैसे साइन थीटा पूछ लिया, साइन थीटा क्या करोगे, साइन थीटा इक्वल, और जैसे यहाँ पे साइन है तो ये बेस वाला नहीं, क्योंकि ये यही वाला होगा परपेंडिकुलर, बेस का भी साइन के पास परपेंडिकुलर रहेगा, इस कॉस के पास बेस रहेगा और इसके पास हाइपोटेन्यूज रहेगा। ठीक है, इसी फॉर्म में करना है इसको अभी आप ऐसे रहने का, ये परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपको पहले ही बताया, पी वी पी एच एच वी, पी वी पी एच एच बी, तो साइन थीटा कर दो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे ए है पहला वाला थ्री, और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे तो फाइव हो गया। और जैसे पूछिए कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा क्या होता है, कर कॉस हाइपोटेन्यूज अपॉन पी बी सॉरी इट्स बी पी बी पी एच एच बी, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस है फोर है, अब हाइपोटेन्यूज क्या है फाइव हो गया। सो आप ऐसे ऐसे इन सब प्रॉब्लमों को सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, नया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, फाइव साइन थीटा, फाइव साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इक्वल 30, साइन के जो बगल में वो क्या है परपेंडिकुलर, और ये कॉस वाला हाई बेस हो गया और ये वाला जो हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया। आप इसको करोगे तो आ जाएगा। तो पूछ रहा है क्या है, जैसे अब मान लो पूछ लिया आपसे टेन थीटा का वैल्यू क्या है, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे फाइव है, बेस क्या है 12 है। जैसे मान लिया आपसे पूछ लिया कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस क्या है 12 हो गया, परपेंडिकुलर 5 हो गया।
आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। जैसे आपसे मान लीजिए पूछ लिया cos, जैसे आपसे पूछ लिया cos थीटा बताओ, cos थीटा क्या होता है आपको पता है, पी बी पी बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस है 12 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 13 है। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि है कि नहीं ऐसा, ऐसा है तभी आप इसको कर यूज कर सकते हो। उसके अलावा जैसे आपसे पूछ लिया गया साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज 5/13, ओके। और जैसे आपसे पूछ लिया गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो 13/5 कर दोगे डायरेक्टली। और ऐसे क्या बचा है, तो ऐसे ऐसे आप इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ओके। और जैसे एक क्वेश्चन और ले लो आप, क्वेश्चन ये हो गया 7 sin theta + 24 cos theta = 25, ओके। सो ये कॉम्बिनेशन कौन सा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया कॉस के पास, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ओके। तब इसको क्या, जैसे अब आपको लिखना है 10 theta, क्या लिखो, 10 theta होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 7 हो गया, अब बेस क्या है 24 हो गया। और जैसे साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो क्या लिखोगे 7/25। अब इसे कॉट थीटा पूछ लिया, कॉट थीटा क्या होता है 10 का ऑपोजिट होता है, तो 24/7 हो गया। कॉसेक थीटा वैसे मान लो पूछ लिया गया, कॉसेक थीटा क्या होता है साइन का ऑपोजिट होता है, 25/7 हो गया। अब जैसे आपसे पूछ लिया गया सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज है 25, बेस है 24। अब इसे कॉस थीटा पूछ लिया गया, कॉस थीटा उसी को उल्टा कर देंगे, सेक का सेक है 24/25, ओके। तो आप ऐसे इसको कर सकते हो। एक क्वेश्चन जैसे हम और ले लेते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 12 sin theta + 35 cos theta = 37। तो जैसे आपसे पूछ लिया गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin theta, sin theta क्या होता है, sin theta होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ओके। सो परपेंडिकुलर क्या हो गया 12/37, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 35/37। और जैसे 10 थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 12 है और बेस क्या है 35 है। तो आप ऐसे से सबका निकाल सकते हो, बिना किसी ज्यादा एफर्ट के आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको आ गया क्वेश्चन, हो गया ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल रूट टू हो गया। अब पूछ लिया है आपसे 10 थीटा का वैल्यू क्या होगा, 10 थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे नंबर तो नहीं लिखा है, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये 1 है ना, यहाँ पे 1 यहाँ पे है, तो 1 1 का करोगे तो ये रूट ही आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो आप इसको कर सकते हो
tan theta इक्वल क्या होता है, tan theta इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 1 है, बेस क्या है 1 है, तो आंसर क्या जाएगा 1। या जैसे आपको sin theta करना है, sin theta क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो 1/√2 आ जाएगा। जैसे इसमें ये भी पूछ सकता है कि थीटा का क्या वैल्यू होगा, तो थीटा का आप कैसे पता करोगे, वो थीटा वाला जैसे कि 1/√2 कब होता है साइन थीटा, यहाँ तक थीटा का वैल्यू पूछ लेगा तो यहाँ हो जाएगा थीटा, क्योंकि रूट ये हो जाता है, थीटा का यहाँ वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। ओके, तो ऐसे हो जाएगा। और या और इसको π/4 भी लिख सकते हो, π/4। ओके, सो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, या आप एक ऐसे लिख लेते हैं प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 2xy sin थीटा प्लस x² - y² cos थीटा इक्वल x² + y² ओके, ये भी उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ मान लो आपसे पूछ लिया गया tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2xy / x² - y² अब इसे मान लिया आपसे पूछ लिया गया sin थीटा क्या होगा, sin थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है 2xy / x² + y² सो आप ऐसे इन सब प्रॉब्लमों को सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट और दो चैप्टर, दो टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री ओवर हो जाएगा, उसके अलावा हम उस पर कम से कम 100 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।